बहुत अच्छे मोमो हमारे बनकर तैयार हुए हैं। अब मैं इनको एक एक करके आराम से निकाल लेती हूँ प्लेट में। खानाखिलाना.com में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं शालिनी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही फेमस रेसिपी लेकर आई हूँ। कहने को तो ये डिश बाहर की है, लेकिन ये नेपाल और तिब्बत के रास्ते होते हुए इंडिया आई है और अब ये कम्प्लीटली इंडियन रेसिपी बन गई है। ये सबको बहुत पसंद होती है और सब जगह मिलती है। तो आज हम बनाने वाले हैं वेजिटेबल मोमो। मोमो कई तरह के होते हैं, स्टीम्ड, फ्राइड और तंदूरी। और आज की जो हमारी रेसिपी है वो है स्टीम वेजिटेबल मोमो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेंगे आपके पास। चलिए स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका डो तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने एक बोल लिया है। बोल में डालेंगे 1 कप मैदा, साथ में डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल। सबको मिक्स करेंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। डो हमारा तैयार हो गया है। अब मैं इसको ढककर रख रही हूँ। 15 मिनट का रेस्ट देंगे अब हम इसे। और जब तक ये हमारा डो रेस्ट कर रहा है, तब तक हम भी मोमो के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ ली है मैंने एक कढ़ाई, गैस ऑन कर लेते हैं और इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को गरम होने देंगे। अब इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून चॉप्ड गार्लिक। वन टीस्पून चॉप्ड जिंजर। बारीक कटी हुई 1 हरी मिर्च। अच्छे से भूनेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। अब इसमें डालेंगे 1 कप चॉप्ड अनियन। गैस को हाई फ्लेम पर रखिएगा, क्योंकि हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है, जल्दी जल्दी इनको सॉटे करना है। अब डालेंगे 1/2 कप गाजर, ये भी बारीक चॉप्ड है। यहाँ मैंने लिया है 1 कप पत्ता गोभी, ये भी बारीक चॉप्ड है। इसको अच्छे से मैंने धो लिया है। मिक्स करेंगे। हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर। हमें सिर्फ इसको इतना कुक करना है कि इसका जो कच्चापन है बस वो निकल जाए। बहुत ज़्यादा कुक करेंगे तो इसमें से पानी निकलने लगेगा। मैं गैस ऑफ कर रही हूँ और हमारी मोमो की स्टफिंग ऑलमोस्ट तैयार है। अब इसको हम ठंडा करेंगे और अगले स्टेप पर चलते हैं।
दोस्तों मोमो और चटनी का चोली दामन का साथ है, बिना उसके मज़ा ही नहीं आता। तो चलिए सबसे पहले हम मोमो की अब चटनी बनाते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 3 टमाटर लिए हैं जिनको मैंने रफली चॉप कर लिया है और एक मिक्सी के जार में डाल दिया है। 5-6 कलियाँ मेरे पास लहसुन की हैं और 7-8 लाल मिर्च हैं सूखी जिनको मैंने 1 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था जिससे वो थोड़ी सॉफ्ट हो गई हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। चटनी हमारी पिस गई है, अब मैं इसको छलनी में छान लेती हूँ जिससे कि इसके जितने भी बीज हैं वो सब निकल जाएं। चटनी को मैंने स्ट्रेन कर लिया है और देखिए सारे टमाटर के बीज और मिर्च के जो बीज थे वो सब यहाँ आ गए हैं। अब मैं इनको हटा देती हूँ और हमारे पास इस तरह की बिना बीज वाली एक चटनी हमें मिल जाती है। अब अगले स्टेप पर हम चलते हैं। अब हम एक पैन लेंगे, गैस मैंने ऑन कर दी है। पैन में डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल, 1 टेबल स्पून गर्म हो गया है। अब हमने जो चटनी पीसी थी टमाटर की वो हम इसमें डाल देंगे। साथ में डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/3 डालेंगे इसमें हम देगी मिर्च पाउडर जो इसको बहुत अच्छा रंग मिलेगा। और इसको गाढ़ा कर लेंगे। गैस को फुल रखिएगा। 1/2 टीस्पून डालेंगे सोया सॉस, 1/2 टीस्पून। अभी हमारी मोमो के साथ जो तीखी हुई चटनी मिलती है ना लाल रंग की, वो बन के आएगी। अब बस थोड़ा सा इसको आप गाढ़ा कर लीजिए। चटनी हमारी तैयार है, काफ़ी गाढ़ी हो गई है। अब मैं गैस ऑफ कर रही हूँ और अब हम इसे ठंडा होने देंगे, तब तक हम अपने मोमो तैयार कर लेते हैं। अब मैंने गैस पे एक बर्तन रखा है, इसमें डालूंगी मैं लगभग 1.5 गिलास के करीब पानी। अब हम इस पानी को इतना गर्म करेंगे कि इसमें स्टीम आने लगे, क्योंकि हमें स्टीम पर ही मोमो बनाने हैं। स्टीम बननी शुरू हो गई है और इस जाली पर मुझे अपने मोमो रखने हैं, तो मैं इसको पहले से इसमें सेट कर देती हूँ। थोड़ी सी और स्टीम बन जाए फिर हम इसमें मोमो रखेंगे। जब तक स्टीम बन रही है तब तक हम स्टफिंग भरकर मोमो तैयार कर लेते हैं। हमारी स्टफिंग ठंडी हो गई है, अब हम इसमें डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने नमक पहले इसलिए नहीं डाला था कि अगर हम गर्म सब्जी में नमक डाल देते तो वो पानी छोड़ देती, इसलिए ठंडे होने पर ही हम इसमें नमक डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ में डालेंगे 1/2 टीस्पून सोया सॉस, इसको भी मिक्स कर लेंगे। चलिए अब मोमो बनाना शुरू करते हैं। हमारा डो बिल्कुल बढ़िया हो गया है 15 मिनट में। इसको हल्का सा हम और मसल मसल के थोड़ा और चिकना बनाएंगे। थोड़ा सा मैदा हम इस पर चकले पर रखेंगे और इसको थोड़ा सा और चिकना कर लेंगे। अब इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। आपको जितने बड़े मोमो बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसकी लोइयां बनाइएगा। और अब हम इनको पतला पतला बेल लेंगे। आप इसे जितना पतला बेल सके उतना अच्छा है। अब इसके चारों तरफ हम लगाएंगे पानी। बीच में रखेंगे हम इसकी स्टफिंग।
का हाफ पोर्शन से इसको कवर कर देंगे इस तरह से और अच्छे से इसको सील कर दीजिए। इसके कॉर्नर पर भी थोड़ा थोड़ा पानी लगाइए और हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और देखिए कितना अच्छा हमारा मोमो बनके तैयार हो गया है। देखिए कितना अच्छा हमारा मोमो बनकर तैयार हो गया है। आप किसी भी शेप में किसी भी डिज़ाइन में मोमो बना सकते हैं। मैं आपको और भी तरीके सिखाऊंगी। चलिए हम और बना लेते हैं। देखिए मैं आपके लिए कितनी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। सब टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। और इस तरह से हम अपने सारे मोमो तैयार कर लेंगे। सारे मोमो मैंने फिल करके रख लिए हैं और पानी भी हमारा अब गर्म हो गया है और स्टीम बनने लगी है। जब तक ये कुक होते हैं तब तक आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी इनका टेस्ट दुगना हो जाएगा। स्टीम हमारी बहुत अच्छी बन रही है। अब इसकी प्लेट को मैं थोड़ा सा ऑयल डाल के ग्रीस कर दूंगी। और अब अपने मोमो इसमें हम रख देंगे। गैस को धीमा कर लीजिए क्योंकि स्टीम बहुत तेज है तो आपका हाथ जल ना जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक बार में जितने आ जाए उतने आप मोमो रख दीजिए। और अब मैं इसको ढककर 10 मिनट के लिए कुक करूंगी। गैस को तेज कर लीजिएगा, बार बार खोलकर मत देखिएगा वरना सारी स्टीम निकल जाएगी और वो अच्छे से कुक नहीं हो पाएंगे। 10 मिनट हो गए हैं, चलिए खोलकर देख लेते हैं। हमारे मोमो बिल्कुल तैयार हैं, इनका कलर भी बदल गया है और अब मैं गैस ऑफ कर रही हूँ। बहुत अच्छे मोमो हमारे बनकर तैयार हुए हैं। अब मैं इनको एक एक करके आराम से निकाल लेती हूँ प्लेट में और मोमो को गरम गरम ही खाइएगा, ठंडे होकर इतने अच्छे नहीं लगेंगे। मैंने सभी मोमो निकाल लिए हैं, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे मोमो। अभी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है, चलिए प्लेटिंग करते हैं। चलिए अब एक अच्छी सी प्लेट में इनको हम सेट करते हैं। चलिए अब साथ में इसके रखते हैं चटपटी चटनी, इसके बिना तो मोमो हमारे अधूरे हैं। आप चाहें तो मेयोनीज़ के साथ भी इसे खा सकते हैं, साथ में मेयोनीज़ भी लीजिए। और लीजिए हमारे मोमो फर्स्ट क्लास बनकर तैयार हो गए हैं और इनको गर्मा गर्म ही खाइएगा। कितना आसान था इसे बनाना। आप जब भी क्रेविंग हो बनाइए, खुद खाइए और सबको खिलाइए। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके मोमो घर में कैसे बने। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अपने नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।